माई गॉड। कल सुबह ना नीला ना काला ना पीला ना लाल, सिर्फ और सिर्फ धुआं निकलेगा, धुआं। Cherry on Sundas. See, point. My barf agrees. गुड मॉर्निंग। तो आज होने वाला है एक और फूड चैलेंज और आज का कलर क्या होने वाला है वो तो गाइज आपको मेरे लिपस्टिक का रंग और टी शर्ट के रंग से ही समझ में आ गया होगा। जैसे आप सभी ने रिक्वेस्ट किया है मैं आज करने वाली हूँ रेड फूड चैलेंज। 24 घंटे के लिए खाने वाली हूँ सिर्फ और सिर्फ लाल रंग का खाना। जी हाँ, लाल रंग। वैसे मैं बता दूं रेड मुझे बहुत ही पसंद है। आई थिंक इट्स सो ब्राइट, सो रोमांटिक। पर आज का खाना कितना ब्राइट और रोमांटिक बनने वाला है वो तो मुझे पता नहीं, पर उस रोमांस का धुआं कल सुबह जरूर निकलने वाला है। You know what I mean? मुझे लगा ये कोरियन नूडल्स के बिना तो ये रेड फूड चैलेंज बिल्कुल बेकार हो जाएगा क्योंकि इसका कलर बिल्कुल लाल है और इसका टेस्ट भी बिल्कुल लाल जैसी है, एकदम धुएंदार। तो मैं इस नूडल्स को प्रिपेयर करूंगी। सबसे पहले मैंने पानी डाल दिया है, उसमें मैं नूडल्स को सबसे पहले बॉयल कर लूँगी और नूडल्स जब अच्छे से बॉयल हो जाएगा मैं उसको छान लूँगी और निकाल लूँगी और इसके ऊपर मैं डाल दूँगी ये जो स्पाइस मिक्स है उसके मिक्सचर, क्योंकि ये डालने के बाद ही नूडल्स का कलर जो है पूरी तरीके से लाल हो जाएगा। ये एक लौता नूडल्स है गाइस जिसका कलर बिल्कुल लाल होता है एंड आप देख सकते हो कि कितना खूबसूरत तरीके से ये लाल रंग में बदल चुका है। वैसे ये दिखने में जितना खूबसूरत लग रहा है ना, ये खाने में उतना ज़्यादा ही तीखा है। तो नूडल्स बिल्कुल बिल्कुल रेडी है और अभी हम लोग इसे टेस्ट करेंगे, खाएंगे और अपने ब्रेकफास्ट को कंप्लीट करेंगे। आइए खाते हैं सुबह का धुआंधार ब्रेकफास्ट। सो लेट्स जस्ट ट्राई। माय गॉड, माय गॉड। पानी क्यों नहीं पी रही मैं? पानी। गर्मी लग रहा है। देखिए मैं कभी नहीं खाने वाली। होड़ चल रहा है। कल सुबह ना नीला ना काला ना पीला ना लाल, सिर्फ और सिर्फ धुआं निकलेगा, धुआं। कितना गंदे तरीके से पी रहे हो, कुछ कर नहीं सकते। तो कोरियन नूडल्स खा के मुझे इतना ज़्यादा तीखा लग गया गाइस कि मैं कुछ कर नहीं सकती और मैं क्योंकि चीनी भी खा नहीं सकती, वो वाइट होता है, तो मैंने इसलिए लेके आई मेरे लिए ये वाटरमेलन जो कि रेड कलर का होता है। अभी शायद यही थोड़ा मेरा ज़बान और पेट दोनों को ठंडक पहुंचा सकता है। लेट्स प्रे। मुझे लास्ट टाइप का एक्सपीरियंस मुझे पता है, तो यही रीज़न है मैंने वाटरमेलन को साथ में रखा फॉर ब्रेकफास्ट। फाइनली थोड़ा सा बेटर लग रहा है। मुझे लगता है ये वाटरमेलन वॉज सेवियर। एरिया जो है ना पूरा बर्न कर रहा है गाइस। थोड़ा सा तीखा कम होता है, हो जाए उसके बाद मैं जाती हूँ लंच बनाती हूँ, देखती हूँ क्या बना सकते हैं और मैं आपसे मिलती हूँ कुछ ही देर के बाद। तो लंच के लिए आज मैं बनाने वाली हूँ एक थाई डिश और एक राइस डिश। थाई डिश में मैं बनाने वाली हूँ चिकन रेड थाई करी और इसके लिए मैंने थाई करी का जो पेस्ट है उसको मंगवाया है अमेज़न से। सबसे पहले मैं कुछ गार्लिक पीसेस को गर्म तेल में ऐड कर दूंगी। ये सनफ्लावर ऑयल है जिसमें मैंने ऐड किया है और फिर इसके अंदर मैं डाल दूंगी वो थाई करी की जो लिक्विड पेस्ट है उसको और इसको थोड़ी देर बॉयल कर लूंगी ताकि गार्लिक का जो फ्लेवर है ये थाई करी के पेस्ट के साथ अच्छे से मिल जाए। और जब ये थोड़ा बॉयल होगा मैं इसके अंदर डाल दूंगी चिकन पीसेस। यहाँ पर मैंने थाई की जो बोनलेस पीसेस है वो लिया है क्योंकि वो सॉफ्ट होता है और खाने में बहुत ही दिलचस्प लगता है। और अभी जो है मैं इसको और कुछ देर बॉयल करूंगी और इसके अंदर डाल दूंगी कुछ एरोमेटिक्स, जिसके लिए मैंने लिया है वो जो कैफिर लाइम होता है उसी कैफिर लाइम को मैंने छोटे छोटे पीसेस के काट के ऐड किया है। साथ में मैं ऐड कर ली उसी लाइम का जेस्ट और साथ में उसी लाइम का जूस और इसके बाद मैं इसको कुछ देर तक बॉईल करने के लिए छोड़ दूंगी। और ये जो लाइम है इसको बंगाली में गोंधोराज लेबू बोलते हैं और इस लाइम से बहुत ही अच्छा फ्रेग्रेंस आता है। फिर मैंने दिया है इसमें 1 टीस्पून सोया सॉस और हल्का सा शुगर, क्योंकि मैंने इतना लाइम ऐड किया है तो शुगर नहीं देने से ये बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा, तो शुगर इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी कुछ रेड बेल पेपर्स ताकि इसका कलर और भी कलरफुल और यानी रेड रेड दिखे और इसमें जाता भी है रेड बेल पेपर्स। और अभी मैं इसको थोड़ा देर बॉईल करूँगी जब तक कि मसाला अच्छे से चिकन के अंदर घुस ना जाए, पूरा डिश अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो जाता। और अभी जब इसका ग्रेवी रिड्यूस हो गया है थोड़ा सा, मैं इसके अंदर फाइनली ऐड करूँगी कुछ लेमन के लीव्स। इसको मैंने छोटे छोटे पीस करके ऐड करूँगी और लो फ्लेम में हल्का सा पकाऊँगी और फिर इसको निकाल लूँगी और हम लोग का चिकन रेड थाई करी बिल्कुल रेडी है। और अभी मैं जाऊँगी और वेज शेजवान फ्राइड राइस को प्रिपेयर कर लूँगी। ऑयल लिया है और पैन में ऐड कर दिया है पहले 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और जिंजर गार्लिक पेस्ट को मैं सबसे पहले अच्छे से थोड़ा फ्राई कर लूँगी ताकि रॉ फ्रेश स्मेल जो है निकल जाए। फिर इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी गाइस वेजिटेबल्स। मैं शुरू किया है थोड़ा सा कैरेट के साथ, फिर मैं ऐड कर दूंगी बीन्स और फिर मैं ऐड कर दूंगी बेल पेपर्स रेड कलर की। वैसे मैंने ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड ज़रूर किया है क्योंकि जैसे बनता है डिश मैं वैसे ही बना रही हूँ, मम्मी भी खाएंगी, लेकिन मैं खाते वक्त ग्रीन वेजिटेबल्स को निकाल दूंगी क्योंकि वेजिटेबल्स को अच्छे से मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ मिला के फ्राई कर दूंगी। इसके अंदर मैंने 2 ड्राई रेड चिली भी ऐड किया है, ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून आपका शेजवान सॉस और साथ में थोड़ा सा रेड चिली सॉस भी। एंड फिर इसको अच्छे से मैं मिला लूँगी ताकि अच्छे से वेजिटेबल के साथ शेजवान सॉस और चिली सॉस मिल जाए। और इस फाइनली मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा टमेटो सॉस हल्का सा स्वीटनेस के लिए और लगभग 1 टीस्पून के आसपास सोया सॉस और दोबारा से सारी चीज़ों को मिला लूँगी। एंड जब वेजिटेबल्स थोड़ा फ्राई हो जाएगा मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी राइस। मैं थोड़े अमाउंट पर बना रही हूँ क्योंकि मम्मी और मैं ही खाऊँगी बस। और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और अब देख तो धीरे धीरे राइस का कलर कितना अच्छा रेड हो चुका है। तो हम लोगों का शेजवान राइस ऑलमोस्ट तैयार है। मैंने इसमें ऐड किया है थोड़ी सी आजीनामोटो और साथ में ऐड किया है हल्का सा ब्लैक पेपर और सॉल्ट फॉर टेस्ट और इसको दोबारा से अच्छे से मिलाऊंगी और फिर इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी स्प्रिंग ऑनियन, क्योंकि स्प्रिंग ऑनियन जाता है डिश जैसे बनता है मैंने वैसे ही बनाया है। मैं खाते वक्त जो ग्रीन वेजीज है उसको निकाल दूंगी, आपको दिखा के ही निकालूंगी तो आप फिक्र मत करो। एंड यस द शेजवान राइस इज ऑल रेडी। तो आइए चलते हैं अपने लंच को निकाल लेते हैं और देखते हैं कैसा बना है। तो आप देख ही सकते हो गाइस आज का लंच तो पूरा लाल लाल है और दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है गाइस। और जितना सुंदर लग रहा है ना उससे भी कई ज़्यादा सुंदर इसकी खुशबू है। तो मुझे तो भूख लग गई। आइए अभी देखते हैं टेस्ट करके कि हम लोगों का रेड लंच कैसा बना है। ऐसे ये ग्रीन वाली जो स्प्रिंग ऑनियंस है उसको मैं निकाल दे रही हूँ। मैं ग्रीन कलर का कुछ नहीं खाऊंगी। So freaking good. पता है ये वर्ड ज़्यादा सुनना आपको पसंद नहीं है but I cannot help it. It's too good. अभी थोड़ा सा चिकन के साथ टेस्ट करेंगे। ये थाई करी वाला जो डिश है ना उसको ज़रूर ट्राई करो। खुशी का बात क्या है, सबसे खुशी जिस खुशी का इंतजार मुझे हर एक चैलेंज वीडियो में था पर मुझे नहीं मिला, फाइनली मुझे इस चैलेंज में मिल गया। तो वो गुड न्यूज है मेरी ग्रीन टी। तो क्योंकि मैं ग्रीन टी सिनेमन पाउडर और साथ ही मैं जिंजर के साथ बनाती हूँ, तो मेरा ग्रीन टी का रंग जो होता है ऑलमोस्ट रेडिश होता है, डीप डीप रेड कलर। ग्रीन टी अब तो आजा, शोला बन के पेट में राहत पहुँचा जा, गर्मी गर्मी खाने को अब आके तू पचा जा। देख ली ना ग्रीन टी का असर। तो शाम में मुझे लगा थोड़ी सी तो मुंह मीठा बनता है, क्योंकि दिन भर तो हम लोग बस लाल और तीखा चीज ही खा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने स्विगी से मंगवाया ये रेड वाली वेलवेट पेस्ट्री, जो कि कितना यमी और सुंदर दिख रहा है गाइस। वैसे मैं इसके ऊपर जो व्हाइट क्रीम है उसको नहीं खाने वाली हूँ, बस रेड वाली स्पंज पोर्शन खाने वाली हूँ। के साथ मैं पीने वाली हूँ ये थिक शेक फैक्ट्री से ये स्ट्रॉबेरी और वाटरमेलन जूस, और इसका कलर बिल्कुल लाल है, आप देख सकते हो। एक साथ रेड जूस, लेट्स ट्राई इट। वैसे मैंने इन दोनों में से कुछ भी ट्राई नहीं किया, क्योंकि मैं केक वेक नॉर्मली कम ही खाती हूँ, मुझे पसंद नहीं है मीठा खाना। बट दिस लुक्स डिलीशियस। रेड वाली पोर्शन ही उठाया है, ट्राई। टू गुड, यम, ट्राई दिस। This is good. लिम्का की ऐड दे रही हूँ मैं, यानी लास्ट वाला खाना तो बिल्कुल एपिक बनना चाहिए। और आपको पता है मेरे लिए एपिक डिश तो सिर्फ और सिर्फ कबाब ही हो सकता है, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा चिकन खोर हूँ। तो इसीलिए मैंने मंगवाया ये रेड वाली सिख कबाब, कितना सुंदर रेड है गाइस। और प्याज को लाल बनाने के लिए मैंने हरी चटनी को निकाल दिया, उसके जगह ऐड किया है रेड वाली चिली सॉस। तो रात का खाना होने वाला है मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट, आप जानते हो, वो है कबाब, क्योंकि ऑनियन के बिना कबाब इज इनकम्प्लीट। ये लाल लाल वाली कबाब, सिक कबाब गया मुंह में। कई बार मुझे कमेंट करते हो कि मैं इतना संडास लेके क्यों इंटरेस्टेड हूँ और संडास लेके बातें क्यों करती हूँ। तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ गाइस, संडास जो है ना, मेरी जिंदगी की, आपकी जिंदगी की, पूरे दुनिया में सभी की जिंदगी का सबसे जरूरी चीज होता है। पता है क्यों? पता है क्यों? मैं बता रही हूँ गाइस, खाने से भी जरूरी होता है संडास। रीजन सुनो, अगर आप सुबह सुबह नींद से उठते हो और आपका मानो पेट क्लियर नहीं होता है, मतलब आप जाके तो बैठ जाते हो, पर अब जितना भी प्रेशर दे दो, जितना भी मुंह को आड़ा टेढ़ा कर लो, पर किसी भी हालत पे पेट क्लियर नहीं होता है। मतलब आप बताए ना, मतलब प्लेटफॉर्म में ट्रेन घुसने से पहले दूर से सीटी मारता है, पर लगता है ट्रेन आएगा पर आता नहीं है, और एक ही जगह पर खड़े होके बस ऐसे ऐसे करते रहते हो। बिल्कुल वही सिचुएशन होता है। जैसे ही आपका संडास रुकता क्या है, आपका पूरा दिन ही रुक जाता है। आपको भूख नहीं लगती, भूख लगने के बाद भी आपका पेट भारी लगता है, पेट भारी होने की वजह से पूरा दिन आपका मूड का जो है सत्यानाश हो जाता है। बाहर भी जाओगे तो आपके मन को कोई शांति नहीं है, कह रहे कि आपके मन में ये आएगा कि पता नहीं कब लग जाए और आपको कहीं जाना पड़े करने के लिए। समझ सकते हो, एक छोटा सा संडास आपके पूरे दिन की रूटीन को कैसे इधर उधर कर सकती है। और आप बताओ, इतने जरूरी चीज पे मैं क्यों बात नहीं करूँ भाई, नहीं करूं। खाने के साथ, खाने के बाद क्या होता है उसके बारे में भी बात करना जरूरी होता है। और सबसे बढ़िया बात, अगर आपको इससे हंसी आता है तो उसमें और भी यू नो चेरी ऑन संडास। सी पॉइंट, माय बर्फ एग्रीज। वीडियो को एंड कर देती हूँ, फिर लिपस्टिक उठा लेती हूँ, फिर जाके फ्रेश होके मैं सो जाऊंगी। मुझे नींद भी आ रहा है, आप देख सकते हो मेरा आँख ऐसे हो रहा है। तो आज का जो वीडियो है आई होप आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो मेक श्योर करो कि आप वीडियो को लाइक करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन के बिना मैं क्या कर सकती हूँ। मेहनत मैं आप ही लोगों के लिए करती हूँ। आप ही लोग जब मेरे वीडियो देख के हंसते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होता है। अगर आप नहीं हंसते हो तो मुझे बुरा फील होता है। तो ज़रूर, एंड मैं आपसे मिलूँगी फिर से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय। वैसे परसोनी का लिपस्टिक बहुत बढ़िया है, सस्ता, टिकाऊ, अमेजिंग। आपको क्या लगता है? इज़न्ट इट?